नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत न्यूज और मैं हूँ आप हमारे संवाददाता कमल सिंह परिहार जी की रिपोर्ट मैथर से। नगर पालिका चुनाव से पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु चौरसिया जी से नगर पालिका के अंदर शहर में हो रही बहुत सारी कमियों और गड़बड़ियों की चर्चा पूछता है भारत के साथ। अपनी भाजपा कार्यकर्ताओं से यही है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता हो, पार्टी उसको टिकट दे, निश्चित तौर पे उसकी विजय होगी। यदि कोई व्यक्ति विधानसभा में काम करता है मगर लोकसभा में नहीं करता, लोकसभा में करता मगर विधानसभा में नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी टिकट न दे। नहीं, हम ये कह नहीं सकते कि परिणाम क्या होगा। आप देख रहे हैं साफ साफ विष्णु भैया का कहना है, पूर्व अध्यक्ष जी का, कि पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाए चाहे नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष के रूप में चाहे पार्षद के रूप में, तो इनका साफ साफ कहना है कि अच्छे लोग समाज से चुन के आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, एक ऐसे ईमानदार को सामने व्यक्ति को सामने आना चाहिए जो समाज के लिए समर्पित रहे और सेवा का काम करे, ना कि राजनीतिक पार्टी से पार्षद बनने के बाद जनता उनसे दुखी रहे और उनके विकास कार्यों से नाखुश रहे। हम पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ में मौजूद हैं श्री विष्णु चौरसिया जी, जिनके बारे में हमने सुना, जिनके कार्यों के बारे में जाना, जिनको जनता जिनके विकास कार्यों को जिनके कार्य को आज भी पसंद करती है। मैहर के विष्णु चौरसिया पूर्व भाजपा अध्यक्ष जी का कहना है कि पार्टी में ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाए जिसमें समाज का कार्य करने वाले अच्छे लोग हो और नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। क्या है कि सही सही लोग बात बताना नहीं चाहते, कई बार यहाँ ऐसे फंडाए जो उनके दूसरे यहाँ चले गए। आपको मैं एक घटना कर बता रहा हूँ कि अभी पूर्व में गलवाना तालाब जो है जिसके लिए 50,00,000 रुपये आए, लोक सूचना के अधिकार के तहत काफ़ी भी लिए हुए, मगर वो पैसा यहाँ से उठ के अबावा तालाब में लग यही माननी जो अध्यक्ष साहब, साफ साफ लापरवाही देखी जा सकती है। हर जगह विकास कार्यों में जहाँ भी काम हो रहे हैं, चाहे तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, हर जगह साफ सफाई हो, कहीं पे भी जनता संतुष्ट नहीं हो रही है। पूछता है भारत के माध्यम से मैं कमल सिंह परिहार ये जानकारी दिलाना चाहता हूँ कि पूर्व में जो विष्णु चौरसिया जी अध्यक्ष थे तो उनके कार्यों को सदैव जनता ने सराहा सम्मान दिया। और फिर 60 से 10 मार्च के बीच कभी भी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। 6 मार्च को सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ बैठक कर चुनावी तारीखों का किया जाएगा ऐलान। सतना के एमपी बिरला समूह के चैरिटेबल बिरला हॉस्पिटल में पैसों के अभाव से इलाज में देरी होने से हुई बालिका की मौत, आक्रोशित मृतक के परिजनों ने बिरला हॉस्पिटल के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। कोलगवा थाना पुलिस द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही, पेट्रोल पंप लूट के 4 आरोपी गिरफ्तार, लूटी गई रकम बरामद, पेट्रोल पंप कर्मचारी द्वारा ही रची गई थी साजिश। पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉई इन्वॉल्व था वो इनको ये उम्मीद थी कि आसानी से सुबह के समय कुछ ज़्यादा होगा नहीं, एम्प्लॉई खुद वहाँ पर रहेगा, कोई विरोध नहीं होगा, आसानी से हम इस चीज़ को कर पाएंगे। इस तरीके से इन्होंने खुद ही क्वालिफाई करके और दो साथियों को मिलकर आगे कर लिया। रामनगर पहुंची एसडीओपी हिमाली सोनी ने, रामनगर थाने में व्यापारियों की ली बैठक, पत्रकार व युवा रहे मौजूद। सतना नगर पुलिस अधीक्षक सतना द्वारा ली गई व्यापारियों की बैठक, सतना में घटित हो रहे घटनाओं के संबंध में की गई विस्तृत चर्चा। कोलगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरिया चौराहे पर यातायात पुलिस ने की वाहनों की चेकिंग, कई वाहनों के काटे गए चालान।
डॉक्टर प्रमोद पाठक बने क्षेत्रीय स्वास्थ्य संचालक एवं डॉक्टर आर एन सोनी को सिविल सर्जन जिला अस्पताल बनाया गया। सतना सिविल लाइन स्थित चौपाटी में बेटियों की मैराथन दौड़ की मुख्य अतिथि रही भारत की पर्वतारोही मेघा परमार। बंगाल में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक अब तक 60 सीटों पर हो चुकी चर्चा। बैठक में पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से कहा, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान ना दें। देश में 24 घंटे में 17,407 कोरोना के नए मामले, 89 मरीजों ने तोड़ा दम। बंगाल चुनाव के लिए आज जारी होगा टीएमसी प्रत्याशियों की लिस्ट, एक साथ सभी उम्मीदवारों का आएगा नाम। टीएमसी के समर्थन में शिवसेना ने कहा, बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला। राष्ट्र के चंद्रपुर के सूती मिल में लगी आग, करोड़ों का कपास जलकर खाक। यूपी के संभल में दलित रेप पीड़ित ने की खुदकुशी, पीड़ित परिवार को लगातार मिल रही थी धमकी। यूपी के बांदा में पुलिस ने किया 100 से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा, 2 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। देखते रहिए पूछता है भारत न्यूज चैनल और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का ऑप्शन प्रेस करना ना भूलें।